जानी। फिर क्यों ना अल्लाह दा कुरान पढ़िए कि इन अजल्लाही इजा जा अला युअखर। एक लमे दी मोहलत नहीं जे मिलनी। इधर वेग उन लोगों दियां जिंदगियां दी एक एक दो दो मिसालां बयान करिए जिन्होंने आखरत दी तैयारी दे अंदर अपनियां सारियां सारियां जिंदगियां गुजार छड़ियां। उन्हां दियां ते पूरियां जिंदगियां पूरी उन्हां दी लाइफ बयान की जाए पूरियां सीरतां बयान की दिया जान आखरत दी तैयारी दे बाद ही बनते चले जान। मगर मैं एक एक दो दो बल्कि एक एक मिसाल दे के अपनी बात नूं अगे चलावा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारे कह दो रज़ी अल्लाह हो सोना चेहरा जिन्हू वेख्या आसमाना तो बदल वसण लग पेंदे। हजरत अबू बकर दी आंखां चो आंसू चल पेंदे ने। रो के कहंदे ने बेटी मेरी तकलीफ तो नजायज फायदा ना उठावी। ये चेहरा चेहरा जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह दा जिन्नू वेख्या आसमाना दे बदल रहमतां दी फुहार बरसान लग जांदे ने। ये ते चेहरा सोहणे नबी दा जिस चेहरे नू वेख्या बदल वसण लग पैंदे ने। बेटी तेरे रोने दी केड़ी वजह है? क्या इस करके रो रही है? अब तेरे अब्बे ने अपने दौरे हकूमत अंदर गुलामां नाल चंगा सलूक नहीं कीता, हक वालियां दे हक नहीं दलवाए, ना ना बुए ते बाद नहीं। और फिर बेटी आया इस करके रो रही है कि तेरे अब्बे ने अपने दौरे इक्तदार अंदर अपना घर माल नाल भर लिया, बिल्डिंगा बनाईया, मुरब्बे खरीद कर लाए, ना ना बुए भी बात नहीं है। और फिर बेटी तेरे रोने दी वजह की है? हजरत अशार कर दिया बाबा मैं रो ते इस करके रही हाँ अज खलीफा जहाना तो कुछ फरमा रहे ने। घर अंदर ना ही नवा कफन मौजूद है ना ही नवे कफन वास्ते पैसे मौजूद ने। मैं तू माड़ी जी जिंदगी अंदर तकलीफ आ जावे अल्लाह दे गिले शुरू कर देने। हाकम वक्त खलीफा तुम बिला फसल। हजरत अबू बकर दुनिया तो जा रहे जे फरमांदे ने बेटी अल्लाह अकबर घर अंदर ना नवा कफन है ना नवे कफन वास्ते पैसे ने। फरमांदे ने बेटी तेनू किस दस्या है उथे नवे कफना नाल गल बनदी है? धीए कफन भावे पुराना क्यों ना होवे अमल चंगे होवन ते जन्नत दियां पोशाकां आ जाणगियां। बेटी इहदे अंदर रोने दी केड़ी वजह है? ऐ दो थुलियां होईयां पुरानियां चादरां इन्हां अंदर मैनू दफना देना। अगर कोई नवा कपड़ा मुयसर आवे किसे यतीम मिसकीन नूं दे देना क्यों जो मोए बंदे नालों जिउंदा बंदा ज्यादा जरूरतमंद हुंदा गए। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام। حضرت عمر دے بارے دے اندر صحابہ حضرت ابو بکر کول حاضر ہو کے عرض کیتا کردے سن پیارے ابو بکر جی عمر نو خلیفہ نامزد نہ فرما کے جانا عمر جلالی طبیعت دا بندہ ہے ساڈے واسطے مسائل کھڑے ہو جان گے۔ حضرت ابو بکر فرماندے سن جدوں عمر تے بار खिलाफत बढ़ जाएगा उम्र दियां सख्तियां नरमियां अंदर बदल जान गियां। अलामा शिबली नोमानी अपनी अल फरूक अंदर लिखते ने होया भी इसे तरह। हजरत उमर अपने खिलाफत दे अय्याम अंदर दमिश्क दे दौरे ते गए महीना भर खुलियां कचहरियां लगांदे रहे लोगों दियां शिकायतां सुनते रहे वापसी जंगली इलाके दे अंदर मदीने वाल जा रहे ने। एक खैमा नजर आया हजरत उमर इजाजत लैके खैमे दे अंदर दाखिल होए वेख्या ते बूढ़िया एक बूढ़ी अखा तो नबीनी मां बैठी हुई है। हजरत उमर कहने अम्मा अमीरुल मोमिनीन उमर दाता पता होवे ते दस। मां कहती है ज्यादा ते मैं नहीं जानती इन दिनों अमीरुल मोमिनीन दमिश्क दे दौरे ते तशरीफ ले आए हुए सन
खुलियां कचहरियां लांदे रहे ने महीना भर और लोगों दी शिकायतां सुनते रहे ने। अज कल वापसी मदीने वाल किधरे सफर से जा रहे ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। वो अखा तो नबी नहीं मां लेकिन अपने खलीफे नाल अपने अमीर नाल इतना ताल्लुक है, इतनी सीआईडी उन्हां दी मजबूत है, इतनी रिपोर्ट उस मां अखा तो नबी नहीं उन्हूं भी पहुंची हुई है। अल्लाह मगर ये नहीं पता क्या बंदा कौन है, ये नहीं जानती, नाल ही कहती है मगर अल्लाह गारत करे उमर नू भुखा नाल तड़पनिया एक दाना भी गले दा मेरे तक नहीं खिलाया। हजरत उमर कंब गए और पक्के जो हो के कहने अम्मा अमीर उल मोमिनीन तक इतला पहुंचाई है, अपनी भुख की खबर अपने खलीफे नू दित्ती है। मां कहती है जेड़ा खलीफा मेरी भुख की खबर नहीं रख सकता ओनू खिलाफत तो दस्तबरदार हो जाना चाहिए है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला कंब गए, हाथ बन करके बूढ़ी मां दे सामने खड़े हो जाते ने, कहने अम्मा मैं ही तेरा मुजरिम उमरा, मुलजिम नहीं मुजरिम, मैं ही तेरा मुजरिम उमरा, अल्लाह वास्ते मुआफ कर छोड़े। साल खत्म होने तो पहले बैल पूरे साल का राशन मां दे घर पहुंचा देता करांगा, कदी शिकायत मौका नहीं आन देंगा। मगर अम्मा जे तक खामोश है, हजरत उमर जल्दी नाल बूढ़ी अम्मा दे कदम फड़ लेंदे ने, कदम पकड़ के कहने अम्मा अपने मुजरिम नू माफ करेंगी ते उमर जा सकता है। अम्मा जी अल्लाह दे दरबार अंदर तेरे सवाल दा जवाब उमर तो नहीं दिता जाना, अम्मा अल्लाह वास्ते मुआफ कर दे, कदी शिकायत दा मौका नहीं आन देंगा। मां दी अखा चो छम छम आंसू चल पैंदे ने। बुढ़ी अम्मा कहंदी जाओ तुहानू मुआफ फरमा छड़िया है, नाले कहंदी हां एहो जे बंदे नू ही अमीरुल मोमिनीन होना चाहीदा है। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला कबर ते खड़े हो जाते ने, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा अंदर हदीस मौजूद है। हजरत उस्मान कबर ते खड़े हो जाते ने, अखा चो आंसू चल पैंदे ने, दाढ़ी मुबारक भिजना शुरू हो जाती है। एक बंदा कहंदा अमीर उस्मान जी पुलसरात दे जिक्र होंदे ने, जहन्नम दियां औलां कियां बयान कीतियां जांदियां ने, कियामत दे हौलनाक ते अंदोनाक मनाजर बयान कीते जांदे ने, उदों इतना नहीं और रोंदे जितना कबर दे खड़े होके रोंदे हो। हजरत उस्मान फरमाते सन मैं अल्लाह दे नबी कोलो सुनिया है, हजूर फरमा रहे सन ए कबर आखरत दियां मंजिलां विचो सब तो पहली मंजिल कबर है। जे बंदा पहली चेक पोस्ट ते पकड़ लिया गया अगलियां मंजिलां ते और ज्यादा औखियां हो जाणगियां। मौलाना लखवी रहमतुल्लाह अलैह भी लिखते ने ना, कबर कहंदी है ओथो बाल लियामी दीवा ते मैं विच सखत हनेरा, अरशद मियां अकेल कबर कहंदी ओथो बाल लियामी दीवा ते मैं विच सखत हनेरा, मैं विच फरश फराश ना कोई ते फरश बनावी मेरा, जमीन ते अकड़ के ना चलिया कर। कबर कहंदी है मेरे अंदर आएगा मैं तेरिया पसलियां तोड़ करके रख देंगी। लिखिया लखवी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर गुट्टे कबर शकंजा देवे हड्डियां भन मरोड़े पसलियां भन चूर करे और मूसर गर्दन तोड़े। हजरत अली रजी अल्लाह तआला चौथे खलीफे हजरत फातिमा फरमांदियां ने, हजरत अली जी मजदूरी करके घर दे रात इशा दी नमाज तो बाद थोड़ी देर बिस्तरे ते आराम कर दे, सारी रात अपने आप नू मुसल्ले दे सपुर्द कीती रख दे। मैं जदों जागदी हजरत अली इंज रो रहे हुंदे सन जिवें बच्चा बिलक बिलक करके रोंदा है, इवें रात गुजार दे। फातिमा दे नां तो याद आया, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज दी बीवी दा नाम ही फातिमा सी। कहंदियां ने बड़े लोग सदके करन वाले वेखे, नमाजां पढ़न वाले बहुत सारे लोग वेखे, हज्जां करन वाले बड़े लोग, रोजे रखन वाले वेखे, मगर उमर बिन अब्दुल अजीज
चीज नालो ज्यादा अल्लाह दे डर कोलो रोण वाला बंदा और कोई नहीं वेख्या। अल्लाह अकबर। हजरत अमर इब्न العاص रजी अल्लाह तआला जनाब अल्लामा अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब विच लिखदे ने बड़ियां प्यारियां बातां इंसानियत मौत के दरवाजे पर। बड़ी कीमती किताब है नौजवानों, ओदा मुतालिया करो, ओदे चो बीसियों तकरीरां मिलणगियां। लेकिन अदना तालिब इल्म सिर्फ ओदा खुलासा दो तीन मिनट दा कई घंटियां दी बात दा ही बयान कर सकदा है। मिनमान किसे किताब नूं बयान कीता भी नहीं जा सकदा। इत्थे बहुत सारियां किताबां दा, बहुत सारियां तकरीरां दा, बड़े बड़े अल्लामा फहामा उलमा और बड़े बड़े मुहद्दिसीन दियां जनाब उन्हां दियां बातां दा निचोड़ ते खुलासा ते हो सकदा है एक तकरीर।